विकास सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल महान राजनीतिज्ञ केशरीनाथ त्रिपाठी अब नहीं रहे, जिसके बाद से ही राजनीति की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि केशरीनाथ लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 8 जनवरी सुबह करीब 5 बजे अंतिम सांस ली। प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बता दें कि वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। राजनीति जगत के लिए बहुत ही बड़ी हानि है। बता दें लंबे समय से बीमार चल रहे थे केशरीनाथ त्रिपाठी। राजनीति की जगत में काफी बड़े योगदान उनके रहे हैं। बता दें 89। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ विवेक शाही हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, 89 वर्ष की आयु में केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है, अगर बात करें तो इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा? देखिए मयूरी, भारतीय राजनीति के लिए निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी क्षति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं केसरीनाथ त्रिपाठी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इकाई के भी जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं। और 2014 से 2019 के बीच वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। इसके अलावा बिहार, मिजोरम और मेघालय के भी राज्यपाल के प्रभारी भी रह चुके थे। और ऐसा बताया जाता था कि केसरीनाथ त्रिपाठी का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के योगदान में महत्वपूर्ण योगदान है, उनका भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में, ऐसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्वीट कर चुके हैं। और बहुत बड़े राजनेता थे पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी, काफ़ी बुद्धिजीवी थे और कई मसलों पर उनके फैसले भी लोग सुनते थे, उनसे राय मशवरा लिया जाता था जब वो सक्रिय राजनीति में थे। मैं आपको बता दूँ मयूरी की इसके अलावा वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे और लेखक और कवि भी थे। उनके द्वारा लिखी गई संचयिता केशरीनाथ त्रिपाठी को काफ़ी सराहना मिली थी। उसके बाद कई सारी कविताएं और साहित्य की भी रचना की थी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक राजनेता के रूप में, एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में, संवैधानिक जानकार के रूप में वो विख्यात थे। और उनके निधन से निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में एक शोक की लहर है। उनके योगदान को भुला पाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके निधन के बाद से देश के तमाम बड़े राजनेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, सब ने ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी है। सब ने उन्हें बताया है कि किस प्रकार से वो संवैधानिक मामलों के जानकार थे, वरिष्ठ राजनेता थे, वरिष्ठ अधिवक्ता थे और कितने बुद्धिजीवी थे। अक्सर जो है जब वो सक्रिय राजनीति में थे तो उनसे उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है, कई मसलों पर बड़े नेता उनसे सलाह मशवरा करते थे। और बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो मुख्यमंत्री रहने से पहले भी उनके संबंध केशरीनाथ त्रिपाठी से काफ़ी घनिष्ठ थे। जब वो प्रयागराज जाते थे तो केशरीनाथ त्रिपाठी के हाल चाल पूछने उनके घर अक्सर जाया करते थे। तो काफ़ी बड़ी क्षति के रूप में देखा जा सकता है। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था, 30 दिसंबर से ही उनका इलाज चल रहा था और बीते 4 जनवरी को जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था इलाहाबाद के हॉस्पिटल से, फिर घर पे ही उनका उपचार चल रहा था। लेकिन जब उनका घर पे उपचार चल रहा था तो इस बीच रूटीन चेकअप के लिए और बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए उनको लखनऊ के SGPGI में एडमिट कराना था, लेकिन आज सुबह तड़के 5 बजे ही हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। आज प्रयागराज के रसूलाबाद घाट में 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जीवन के आखिरी क्षणों में उनके स्वास्थ्य ने उनका साथ देना छोड़ दिया था। बीते 8 दिसंबर को बाथरूम में फिसलने की वजह से कंधे में फ्रैक्चर भी हो गया था। उसके बाद उनकी रिकवरी भी हुई, लेकिन 30 दिसंबर को उनको इलाहाबाद के एक प्रयागराज के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया। उसके बाद 4 जनवरी को डिस्चार्ज हुए, घर पे ही उपचार चल रहा था, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ था। लेकिन उसके बाद से जब स्वास्थ्य में थोड़ी सी अचानक जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ी देखी गई, तो घर वालों ने, परिजनों ने ये फैसला लिया कि SGPGI में उनका दाखिला कराया जाएगा, चेकअप कराया जाएगा, सांस संबंधी इलाज कराया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही 8 जनवरी यानी आज सुबह 5 बजे ही उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। मयूरी, विवेक, अगर देखा जाए तो केशरीनाथ त्रिपाठी का भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो कौन से महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं?
देखिए, जब जनता पार्टी की सरकार थी तब केसरीनाथ त्रिपाठी कैबिनेट मंत्री थे, उसके बाद 1991 से लेकर 1993 तक वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, 1997 से लेकर 2000 तक भी वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, कुल मिलाकर 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व स्पीकर भी रहे हैं। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो केंद्र में आई, जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुन के आए, तो उन्होंने 2014 से 19 के बीच पश्चिम बंगाल में उनको राज्यपाल बनाया, 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया, पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा उन्होंने बिहार, मेघालय और मिजोरम के भी राज्यपाल के वो प्रभारी थे, इसका कार्यभार भी वो संभाले थे, तो काफी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई के भी अध्यक्ष थे, तो इस प्रकार से यह समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद वो आगे बढ़े, केंद्र की राजनीति में रहे, जब जनता दल की सरकार थी तभी वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, और उनकी जो पकड़ है लोगों में वो काफी काफी ज्यादा थी, उनके समर्थक काफी ज्यादा थे, और एक विशुद्ध राजनीति के लिए पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी को हमेशा ही याद किया जाएगा। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो वरिष्ठ अधिवक्ता थे, संवैधानिक मामलों के जानकार थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी कोई ऐसा मसला संवैधानिक रूप से फंसता था तो उत्तर प्रदेश के बड़े राजनेता सरकार में रहते हुए उनसे सलाह मशवरा करते थे, विचार विमर्श करते थे, और राज्यपाल रहते हुए भी, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए भी आज तक एक बेदाग छवि जो है राजनेता के रूप में उनकी स्थापित हुई। तकरीबन 90 साल की आयु में उनका निधन हुआ था, लेकिन एक बेदाग छवि के मालिक थे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी, और भारतीय राजनीति में एक पुख्ता नाम छोड़ गए हैं पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी। आज तब तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, सभी ने उनको ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। सभी ने यह कहा है कि इस शोक की लहर में परिजनों के साथ है, और एक विशुद्ध राजनीति का अंत हुआ है, एक बुद्धिजीवी जो संवैधानिक मामलों के जानकार थे, जो सारी चीजें समझते थे, जानते थे, और सरकार की मदद करते थे, सरकार में रहे या सरकार में ना रहे, किसी पद पे रहे किसी पद पे ना रहे, लेकिन लोगों की मदद के लिए, सरकार की मदद के लिए तैयार रहते थे, तो काफी बड़ी क्षति है पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन। विवेक केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है, अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो ये अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा, कितने बजे होगा, और क्या कौन कौन से दिग्गज शामिल हो सकते हैं? देखिए, प्रयागराज में उनका घर है, प्रयागराज के रहने वाले थे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता थे, काफी जाने माने अधिवक्ता थे, और कई अधिवक्ता उनके अंडर में आके प्रैक्टिस शुरू की थी, जिन्होंने अपना नाम कमाया, उनकी भी लगातार मदद करते रहे, और आज सुबह ही 8 जनवरी को 5 बजे तड़के हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ, और प्रयागराज के रसूलाबाद घाट में तकरीबन शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसके बाद वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। पहाड़ों पर पड़ रही बर्फबारी से उत्तर भारत कांप रहा है। लखनऊ में ठंड के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बता दें कि लखनऊ में इस वक्त तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक गलन रहने के आसार हैं। तो वहीं लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में मौसम के तीखे तेवर बरकरार हैं। बता दें, ठंड का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के सभी जिलों में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। लखनऊ में सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। बता दें, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। लखनऊ समेत सभी जिलों में ठंड का रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों की आवाजाही में भी कमी हुई है। ठंड के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ठंड के सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा आगे भी चेतावनी दी गई है।
बता दें ठंड और कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई है। लगातार ठंड अपना कहर दिखा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ेंगी। सुहानी, लखनऊ में ठंड के सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। ठंड से स्थिति काफी खराब होती जा रही है। मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ अभी चेतावनी दी गई है? जी मयूरी, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फीली हवाएं चल रही है, जो बर्फबारी हुई है, उसके वजह से पूरा उत्तर भारत जो है वो ट्रिपल अटैक, जैसे कड़ाके की ठंड, कोहरे और जो ये धुंध के वजह से चपेट में है, जो कि आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो गया है, वो अपने घर से निकलने के लिए संकोच रहे हैं। साथ ही उनके जो अपना रोजमर्रा के जो कार्य है वो भी, उसमें भी रुकावट आ रही है। इससे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जैसे आम जीवन अस्त व्यस्त होगी इस ठंड के वजह से। आपको बता दें कि यहाँ पे 20 साल का जो रिकॉर्ड टूटा है, यहाँ पे जो रात के जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है वो 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में जो इस बार का रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि 30-40 साल का रिकॉर्ड इस बार टूट गया है। इतनी ठंड जो है पहली बार इतना देखने को मिल रहा है, तो इससे आम जनजीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया है। इसकी बस के जो जाती थी वो 39 ऐसी जो बसें हैं इनको रोक दिया गया है, नहीं चल रहा है। वही जो ट्रेनें हैं वो काफी 10 और 20 घंटे लेट चल रही है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आम जनजीवन के पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ रहा है। जी सुहानी, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में काफी ठंड पड़ रही है। अगर अभी इस वक्त की बात करूं तो लखनऊ में क्या कुछ तापमान मापा गया है? जी मयूरी, आपको बता दें कि हमने खुद जाके देखा, लखनऊ शहर में जाके वहाँ के जो रैन बसेरा उनसे बात किए, और उनके जो आम जनजीवन जो गरीब तबके के लिए उनसे भी हमने खुद जाके बात किया और देखा कि वहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है कि अलाव की व्यवस्था किया गया है, वही कंबल की व्यवस्था किया है, हमने जाके देखा ऐसा कुछ नहीं है। जो रैन बसेरा है उन्हें बस एक रैन बसेरा मिला है, और उसमें भी जो परिवार वाले हैं वो नहीं जा सकते। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो वहाँ के पुरुष है वो दारू शराब पी के आते हैं, वही दूसरी तरफ जो है रहने के लिए पैसा मांगते हैं। तो ऐसी तमाम जो परेशानियां हैं जो परिवार वाले झेल रहे हैं और उस रैन बसेरे में अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, वही जो सड़कों पे रह रहे हैं रैन बसेरा, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है, ना अलाव मिला है, ना उनको कंबल अभी तक मिला है। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सड़क पे सो रहे हैं। ऐसी तमाम परेशानियां मुझे देखने को मिला। आपको बता दें कि लखनऊ में जो कल रात की जो आया है वो 3.8 कुछ समथिंग था। तो ऐसी कड़ाके की ठंड, कोहरे और धुंध के वजह से जो लखनऊ के आम जनता है, जो रैन बसेरे हैं, वो काफी परेशानी झेल रहे हैं। एक कीड़े मकोड़े की जतरा जिंदगी जी रहे हैं, बता दें वो बिना लाइट पानी, ऐसी तमाम अपनी परेशानियां जो है कल बयां किए वो लोग। तो ऐसे देखा जा रहा है कहीं ना कहीं योगी सरकार की इसमें नाकामयाबी है, और उनके लिए कुछ ना कुछ उनको करना चाहिए। वही महिलाओं का कहना है कि जाते हैं दारू शराब पी के लोग आते हैं, और वहाँ पे हमें रहने के लिए भी अलग से पैसा मांग रहे हैं। तो ऐसी तमाम परेशानियां लखनऊ में देखने को मिली हमें। सुहानी, जैसा अभी आपने बताया कि आप बाहर निकली और देखी, लेकिन प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए कि अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो कहीं जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस पर एक्शन कब लिया जाएगा? जी नहीं, जी जी मयूरी, आपको बता दें हम कि इसमें तमाम ऐसे लोगों, योगी सरकार की तरफ से सुविधाएं आ रही है, और जो डिप्टी ब्रिजेश पाठक, उन्होंने भी जाके और ग्राम चौपाल की इन सब सुविधाओं के लिए ही, और अधिकारियों से भी बात किए और लगातार चौपाल करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब सुविधाएं आम जन के पास क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? आखिर इस पर भी योगी सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। कहाँ जो छूट हो रही है, कहाँ नाकामी दिख रही है, ये सब चीज़ों को भी योगी सरकार को देखना चाहिए। क्योंकि जब आम जन रविवार को डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य जब चौपाल लगा रहे हैं हर उत्तर प्रदेश के शहर में, तो आखिर ये जनजीवन के पास ये सुविधाएं जा क्यों नहीं रही है? क्योंकि हमने खुद जाके देखा है, ऐसी कोई सुविधाएं योगी सरकार की तरफ से उन लोग के पास नहीं पहुंच रहा है। जी धन्यवाद सुहानी तमाम जानकारियों के लिए।
अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बन रही है प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।